हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता क्या है, किसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, पावर फैक्टर को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज हो गई। दूसरी चीज़ हो गई करंट, करंट क्या होता है। और तीसरी चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीनों चीज़ें हमें पता है, कौन कौन सी चीज़ें, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी, अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता है तो हम पावर फैक्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं वोल्टेज और करंट क्या होता है। मान के चलिए दोस्तों, अगर मेरे पास एक ये बल्ब है, इसको मैं दो टर्मिनल बना देता हूँ। ये मैंने बल्ब बना दिया, ये कहीं से हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर रहे हैं और ये मेरी पावर की वायर आ रही है। तो जब ये मेरी पावर आ रही है, जैसे ही मैं इसके अंदर ये पावर कनेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर दोनों चीज़ें फ्लो होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो करंट फ्लो होगा और दूसरी क्या होती है, वोल्टेज। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ इसके अंदर फ्लो होती हैं। बेसिकली जो वोल्टेज होता है वो करंट को पुश करता है, करंट को धक्का देता है, करंट को आगे फ्लो होने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन होता है। वोल्टेज करंट को पुश करके, धक्का देकर आगे बढ़ाता है, फ्लो करता है। और न्यूट्रल जैसे ही इधर से मिल जाती है तो हमारा ये जो बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब क्या होता है, फिर ये जलने लगता है, रोशनी देने लगता है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है एसी फ्रीक्वेंसी, एक होता है हमारा डीसी फ्रीक्वेंसी। एसी फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है कि ये इसका जो होता है फ्रीक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। और डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो जीरो होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या नो फ्रीक्वेंसी कह लीजिए इसको, कि इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये इसका जो करंट होता है वो स्ट्रेट चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। 50 HZ की जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है, इंडिया के अलावा जो अदर कंट्री है उसमें कहीं कहीं पर 60 HZ की भी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है, लेकिन इंडिया में, ये हमारा इंडिया में जो होता है 50 HZ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। जो 50 HZ है, एक्चुअल में है क्या चीज़, ये फ्रीक्वेंसी है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलिए हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी कैसे फ्लो होती है, मैं आपको दिखा दूँ। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से मान के चलिए चलता है, इस तरीके से हमारा जो करंट वोल्टेज फ्लो होता है। तो करंट जो एक सेकंड के अंदर यहाँ से चला, ऐसे चलते चलते यहाँ पर एक राउंड इसका कंप्लीट होता है, इस तरीके से ये 50 राउंड जो है अप डाउन हो करके एक सेकंड के अंदर ये होता है 50 टाइम्स जो होता है ये अप डाउन होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 बार, इस तरीके से ये अप डाउन होता है। तो इसे हम कहते हैं 50 HZ की फ्रीक्वेंसी। ये जैसे वोल्टेज है, ये मान लीजिए वोल्टेज और ये हमारा करंट है। तो इस जैसे हमारा वोल्टेज इस तरीके से चलता है और यहाँ पर आके ख़त्म होता है, तो हमारा जो करंट है वो भी बिल्कुल इसके साथ साथ ही चल रहा होता है, और इसके साथ स्टार्ट होता है और इसके साथ ही आकर के यहाँ पर ख़त्म होता है। मतलब जो करंट और वोल्टेज की ये वेव्स हैं वो एक साथ स्टार्ट होती हैं और एक साथ ही, यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है करंट की वेव्स तो वोल्टेज की वेव्स भी यहीं से स्टार्ट होती है, और इसके साथ साथ चलते हुए यहाँ पर आकर एक राउंड इसका ख़त्म होता है, तो यहाँ पर आकर के इसकी वेव्स भी ख़त्म होती हैं। तो इस तरीके का जो एक साथ स्टार्ट होना दोनों का और एक साथ एक पॉइंट पर एंड होना, ये पावर फैक्टर को सबसे अच्छा बताता है। ये अगर इस तरीके का दोनों का फ्लो हो रहा है, वोल्टेज का और करंट का, तो पावर फैक्टर जो होता है यहाँ पर ये 1 काउंट किया जाता है, और 1 सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, ये हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर बिगड़ता क्यों है, पावर फैक्टर क्यों बिगड़ता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं। लोड टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले की मैं बात करूं रेजिस्टिव लोड, दूसरे लोड की मैं बात करूं इंडक्टिव लोड, और थर्ड इज कैपेसिटी लोड। ये तीन तरीके के लोड होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टिव लोड की। रेजिस्टिव लोड क्या होता है, रेजिस्टिव लोड बेसिकली जब हमारा
मान चलिए वोल्टेज हमारा है और ये हम इसको फ्लो कर रहे हैं, वेव्स हैं इसकी, ये हमारा इसकी वेव। रेजिस्टिव लोड के अंदर हमारा वोल्टेज की वेव ये चल रही होती है और करंट की वेव भी इसके साथ साथ चल रही होती है, इसी के बिल्कुल साथ चल रही होती है। ये करंट की वेव भी इसके साथ बिल्कुल चल रही होती है, एक साथ स्टार्ट होती है और एक साथ जो होती है ये एंड होती है। दोनों ही वोल्टेज और करंट दोनों की वेव्स बिल्कुल एक साथ चल रही होती हैं, एक साथ स्टार्ट होती है, एक पॉइंट पर एंड होती है, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे जा करके इस तरीके से एंड होती है। तो इनकी वेव्स बिल्कुल एक साथ चल रही होती है, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है, यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है वो 1 काउंट किया जाता है और ये सबसे परफेक्ट पावर फैक्टर माना जाता है, ये बिल्कुल सही पावर फैक्टर माना जाता है, कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। रजिस्टिव लोड के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, गीज़र हो गया, आपका लाइट हो गई, इस तरीके की प्रेस हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी आती हैं रजिस्टिव लोड के अंदर, और इसके अंदर पावर फैक्टर बिल्कुल यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इसमें ज़्यादा पावर फैक्टर बिगड़ता नहीं है। सेकेंड इज़ इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव लोड के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये वोल्टेज का वेव्स हैं, जो हमारी वेव्स चल रही होती हैं इस तरीके से, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमारी वेव्स एंड हुई, तो वेव्स वोल्टेज की और करंट की दोनों में अंतर रह जाता है, यानी कि ये पीछे से शुरू होती है और कहीं ना कहीं ये पीछे ही जा कर के यहाँ एंड हो जाती है। तो इसमें जो एक गैप आता है, इन दोनों वेव्स के अंदर जो गैप आता है, इसी को बेसिकली हम पावर फैक्टर कहते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि करंट जो लैग हो गया, जी लैग, करंट लैग हो गया, मतलब करंट पीछे रह गया, वेव्स जो करंट की है वो पीछे रह गई। तो इसमें जो ये वोल्टेज और करंट के जो वेव्स का जो एक गैप है, इन्हीं गैप्स को हम बेसिकली कहते हैं पावर फैक्टर। अगर इन दोनों वेव्स के बीच का जो गैप होगा वो बढ़ेगा तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। अगर ये दोनों बढ़ेगा, सबसे बेस्ट पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे बेस्ट पावर फैक्टर 1 माना जाता है। इसके बाद जब ख़राब होगा तो 0.9 हो गया, और ख़राब हुआ 0.8 हो गया, और ख़राब हुआ 0.7 हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे पावर फैक्टर ख़राब होगा वैसे वैसे हमारा ये इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं, जैसे जैसे गैप बढ़ेगा तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा इस तरीके से। दोस्तों इंडक्टिव लोड के अंदर जो आती हैं मशीनरी आती हैं, जिसमें हम वाइंडिंग हुई होती है और शाफ्ट लगी होती है, रोटेशन होता है, तो वाइंडिंग वाली जितनी भी मशीनरी वगैरह आती हैं ये इंडक्टिव लोड के अंदर हम उनको लेते हैं, काउंट करते हैं, और सबसे ख़राब जो पावर फैक्टर होता है वो इंडक्टिव लोड के अंदर ही होता है। तीसरी बात कर लेते हैं कैपेसिटिव लोड की। कैपेसिटिव लोड बेसिकली करंट को आगे बढ़ाता है, बेसिकली जो होता है ये करंट को वोल्टेज के इक्वल कर लेता है या उसके पैरेलल लेके जाता है, उसके साथ लेके जाता है। तो कैपेसिटिव लोड का इतना काम होता है। अगर हमारी ये जो वेव चल रही हैं, ये हमारी वेव चल रही हैं, ये हमारी वोल्टेज की वेव है, तो करंट की वेव अगर कहीं पीछे रह जाती है तो उसको भी इसके साथ ला करके ये इक्वल करता है कि उसके बराबर चले और हमारा जो पावर फैक्टर हो वो बिल्कुल यूनिटी हो जाए, 1 आ जाए, यूनिटी पावर फैक्टर बन जाए। तो इस तरीके से कैपेसिटिव लोड काम करता है। दोस्तों कैपेसिटिव लोड के अंदर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, जो करंट को फ्लो करता है, आगे बढ़ाता है, उसके पैरेलल लेके आता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा पावर फैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका टाइम टू टाइम देख करके अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।